क्या भाव बिक रहा है यहाँ इधर? 1,30,000-35,000 तक बिक रहा है। गाइस इस वीडियो में पहली बार किसी वीडियो में कोई फसल देखेंगे 1,30,000 रुपए क्विंटल बिकते हुए। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे सफेद मूसली, ये सफेद मूसली का भाव 2,50,000 रुपए क्विंटल है, ये 3,00,000 रुपए क्विंटल तक बिकी हुई है च्यवनप्राश में और औषधि उपज में। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज इस वीडियो में मैं आज आपको लेकर के आ गया हूँ भारत में जिस मंडी का डंका बजता है, नीमच मंडी का, विश्व विख्यात नीमच मंडी। यहाँ आप देखेंगे कि जो है कई तरह की जो फसलें हैं, किसान की जो पैदावार है वो बिक्री के लिए आती है और उनको उचित दाम मिलता है। और इसी क्रम में आपने अभी तक जिन जिन फसलों के बारे में सुना नहीं होगा वो यहाँ बिक्री के लिए आ जाती है। भैया गाइज, पहली बार किसी YouTube वीडियो में देखेंगे कि नीमच मंडी में संतरे का छिलका बिकने के लिए आया है। ये संतरे का छिलका पत्ती है, क्या भाव बिकती है? ये 500 रुपए क्विंटल जा रहा है। ये 500 रुपए क्विंटल बिकती है। ये देखिए, ये क्या चीज है भैया? मेहंदी, क्या भाव चल रही है? ये 5,000 से 6,000-7,000 तक बिकती सर, जो भी भाव पाँच माल। क्या भाव चल रही है? 4,000-5,000 तक जा रहा है। ये मेहंदी है गाइस, ये 4,000-5,000 अलग अलग भाव में चलती है। ये क्या चीज है? नीमला नीम के पत्ते बिकते हुए देखे गए गाइस। यहाँ नीम के पत्ते पहली बार किसी YouTube वीडियो में, नीमच मंडी में नीम के पत्ते बिकते हुए देखेंगे। और कोई क्या क्या 50 पैसे क्या भाव? 26 रुपए 50 पैसे 2,600 रुपए क्विंटल ये बिक्री के लिए आए हैं। अद्भुत दोस्तों, यही मेरे देश की खूबसूरती है। कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया होता था, भारत सोने की चिड़िया होने के पीछे यही लॉजिक है। चलिए आपको इधर इस पहाड़ पे मैं चढ़ सकता हूँ? मैं चलिए, ये पहाड़ पे चढ़ गए हैं और यहाँ के जो भाई लोग बताएंगे मुझे ये क्या चीज है। ये है अश्वगंधा। गाइज आपने अश्वगंधा जो है आयुर्वेदिक जो है औषधियों की जो है बैकबोन होती है, इस अश्वगंधा के पहाड़ पे मैं चढ़ गया हूँ यहाँ नीमच मंडी में। और भाव क्या चल रहा है भाई इसका? ये 23,200। 23,000 ये जो आप देख पा रहे हैं अश्वगंधा, 23,200 रुपए क्विंटल के भाव चल रहे हैं। गाइज अब आपको बताना चाहूंगा, जो अश्वगंधा आपने देखना शुरू करी थी वहां, ये जहां आप देखेंगे आपको अश्वगंधा दिखेगी। अश्वगंधा के ढेर दिखाई है नीमच मंडी में, अश्वगंधा का ढेर देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, जो कि 23,000-24,000 रुपए क्विंटल चल रही है। इधर देखिए मोरिंगा पत्ती है ना? हाँ, मोरिंगा गुजरात से आई। ये गुजरात से दोस्तों, ये भाई के कहाँ से आया ये फसल? गुजरात से। गुजरात में कोई जिला वगैरह बता सकते? आनंद। आनंद से बिल्कुल, जो वहाँ NRI वगैरह सबसे ज्यादा होते हैं। आपका नाम बताइए? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आपका फोन पहले आप बंद कर लीजिए। महेंद्र सिंह जी है ये सब चीजों में डील करने वाले, किसानों को अपनी मेहनत का हक, अपने मेहनत का फल देने वाले। यहाँ जो बॉस है, व्यापारी है, खरीदार है, ये काम क्या आती है भाई? ये सारी मेडिसिन में, मेडिसिन आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने। क्या भाव चल रहा है अभी इसका? ये 8,700। 8,700 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों को देते हैं, क्या बात है। ये चारों तरफ गाइज अभी आपने अश्वगंधा का ढेर देखा, अश्वगंधा के भाव देखे आपने 23,000-24,000 अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अश्वगंधा के भाव। अब पहली बार किसी YouTube वीडियो में अश्वगंधा के बीज देखेंगे। ये बीज है गाइस अश्वगंधा का, ये तो और महंगा बिकता होगा। ये अश्वगंधा का पूरा यहाँ हजारों क्विंटल का स्टॉक देखिए भर भर के। आपने सिर्फ अभी तक जो है वीडियो में नाम सुने होंगे, मेडिसिन के पैकेट में देखा होगा इतने ग्राम, इतने मिलीग्राम अश्वगंधा। ये हजारों क्विंटल अश्वगंधा दोस्तों नीमच मंडी में। ये केनवा है, ये भी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटिया है, जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक औषधि बनाने में काम में आती है नीमच मंडी में। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या भाव चल रहा है भैया इनका? ये भैया अपने गया है 2,700 समथिंग और 3,000 से 4,000 के समथिंग जाता है। ये गाइस एक और देखिए, चिया सीड्स है, क्या भाव बिका ये भैया? बिकता है 14,700 प्रूफ के साथ में। आप ये देखिए, मेरे साथी को कहूंगा थोड़ा जूम करके बताइए, ये देखिए बकायदा लीगल काम पूरा बिक रहे हैं भैया। करेले भी है, सूखे सूखे करेले, आपने सूखे करेले किसी मंडी में बिकते हुए देखे ऐसे? क्या भाव बिक रहे हैं भैया? ये 7,000-8,000 रुपए क्विंटल ये सूखे करेले बिक रहे हैं। तो समझ जाइए भारत यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था गाइस।
अभी इस नीमच मंडी में 90 तरह की जींस आती है औषधि उपज की, उसमें नंबर वन पे अश्वगंधा है, उसके बाद आप ये समझ लो कोंच का बीज है कि हरड़ भरड़ आंवला किनोवा चिया नीम पत्ती निम्बोली आपका बम्बूल की फाफड़े बम्बूल की छाल, मतलब क्या नहीं आता इस मंडी में। अगर कोई जंगल से कांटे भी तोड़ रहा है तो वो भी बिकता है इस मंडी में, सब कुछ बिकता है। आप ये मान के चले अनार के छिलके है सूखे या नींबू को जो लोग रस बना के बेचते हैं सड़कों पे ठेले वाले, वो नींबू का छिलका लाते हैं तो वो भी 50 रुपए किलो बिकता है। इस नीमच मंडी में हर कोई चीज कुछ भी लाने वाला चाहिए, टेसू के फूल बिकते हैं यहाँ पे, गुलाब की पत्ती बिकती है यहाँ पे, नीम की पत्ती बिकती है, निम्बोली बिकती है, हर चीज बिकती है। अकरकारे का बीज है, ये अकरकारे का बीज भी ये खाली ऊपर से बीज कहलाता है, इसके अंदर से बहुत बारीक बीज निकलता है, बिल्कुल मिर्ची से बीज छोटा वो निकलेगा। उसके बाद आप देखें ये असालिया है, ये भी एक औषधि उपज है बहुत जोरदार, ये घोड़ों को भी खिलाई जाती है, आदमी भी खाते हैं, खीर खाते हैं, छोटे बच्चे टिंगू रहते हैं तो लंबे हो जाते हैं। ये अलसी, अलसी इसमें फाइबर है, काफी चलता है, ये भी खूब चलता है। ये अजवाइन है, अजवाइन देशी अजवाइन अपने तरह से बहुत जाता है, बाहर सब तरफ जाता है। ये आपने देख ही लिया, नीम की पत्ती स्टीविया है मीठा। ये आप देखें मूषक दाना है, मूषक दाना इसे कहते हैं, मूषक दाना जी। हाँ इसको वैसे भिंडी बोलते हैं, एक ही कोंच का बीज है, गुलाब का फूल लिखा हुआ गाइस। हाँ गुलाब की पत्ती है एक्चुअल में ये, अब ये कोंच का बीज है, कोंच मेड़ों पे लगाते हैं इसको, बहुत ताकत की चीज है, च्यवनप्राश में डलने वाली चीजें हैं बहुत सारी की। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जैसे सफेद मूसली, ये सफेद मूसली का भाव 2.5 लाख रुपए क्विंटल है, ये 3 लाख रुपए क्विंटल तक बिकी हुई है च्यवनप्राश में और औषधि उपज में, महिलाओं के प्रबंध में बहुत जगह काम आने वाली चीजें हैं। कुसुम पत्ती है, कुसुम का फूल होता है कांटे वाला, और ये वियतनाम बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से अभी, ये वाला माल इसको अंदर चावल बॉईल करके खाते हैं वो लोग, इसे फूड कलर आ जाता है उसके अंदर, इनका ऐसा मानना है। ये जितना आप देख रहे हैं ना ये सब ये कुसुम पत्ती का है। और इसी प्रकार आप आगे आ जाएं, क्या भाव चलता है सर? कुसुम पत्ती का भाव 80,000 रुपए क्विंटल है। ये जब जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है, डाबर बेदना झंडू फार्मेसी जितनी फार्मेसी कंपनियां हैं वो नीमच से माल लेती है, बाबा रामदेव हो भले कोई भी हो। किसानों मैंने लेके आया सीहोर जिले की नफलगंज तहसील के पास गांव है बोरकड़ी, वहां रहता हूं मैं। सीहोर जहां से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा, अभी भारत सरकार के जो है कृषि मंत्री जी, बिल्कुल क्या भी, और वो ये भाई साहब वहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ नीमच में लेके आए हैं, फसल क्या लाए हैं? ये राजमा है दोस्तों। अच्छा क्या क्या भाव यहाँ पर बिका? ये गया 9,400 रुपए क्विंटल। 9,400 रुपए क्विंटल। ये क्या चीज है दोस्तों? वो ये उड़द है, बोली लगते हुए देखिए आप, छत्तर अरे लगती है बोली गाइस। चना, चने की बोली कितने में, क्या रेट में फाइनल हुआ है? 5,800 रुपए क्विंटल में इन्होंने ले लिया है। ये सरसों देख पा रहे हैं आप, ये सरसों है। यहाँ जो है किसानों को अपनी फसल का वाजिब हक मिलता है, ऐसे है। 5,700 सरसों क्या भाव बिक्री है? ये 5,700-5,800 रुपए क्विंटल। और ये क्या है? ये अलसी है। ये क्या भाव बिक रही है? 6,000 तक है। सोयाबीन सैकड़ों हजारों क्विंटल फसलें यहाँ पर रखी हुई है, किसान बेचने के लिए आते हैं यहाँ। 4,300-4,400 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिकती है। क्या चीज है भैया? कलौंजी है ये। क्या भाव बिकी है? क्या भाव बिकी? 18,000 रुपए बिकी है। 18,000 रुपए, 18,000 जैसा बता रहा है। और ये अब मैं आपको दिखाऊंगा तुलसी के बीज। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल परमार। कन्हैयालाल परमार। ये क्या चीज है? तुलसी बीज। क्या भाव है ये? ये 20-22 हजार चलता है अभी, 20-22 हजार चल रहा है। इस सेक्शन में आप देखेंगे ये मूंगफली बिकते हुए, ये मूंगफली की बम्पर पैदावार। और जानते हैं ये इसका क्या भाव चल रहा है नीमच मंडी में, क्या भाव बिक रही है भैया मूंगफली? ये 4,300 रुपए क्विंटल। चलिए गाइस अब हम आपको ये एक फसल जिसको आप और हम सब अन्न के रूप में जानते हैं, खाने में काम में लेते हैं, ये हम चढ़ गए हैं
मक्की के पहाड़ पर। ये क्या चीज है भैया? ये पोस्ता है। पोस्ता है, क्या भाव बिक रहा है यहाँ इधर? 1,30,000-35,000 तक बिक रहा है। गाइस इस वीडियो में पहली बार किसी वीडियो में कोई फसल देखेंगे 1,30,000 रुपए क्विंटल बिकते हुए। तो गाइस ये था मेरा विश्व प्रसिद्ध नीमच मंडी का आपके लिए वीडियो। आपको कोई भी चीज खरीदनी बेचनी हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।